जय श्री माताजी। सामूहिकतेमध्ये बंधन घेऊया। शिस्तीत बंधन घ्यायचं आहे आपल्याला। एकाग्र चित्तानं घ्यायचं बंधन, विचलित व्हायचं नाही। कवच पण अगदी शिस्तीत, आपल्या भूतानी कवच आपल्याला जाणवलं पाहिजे तर त्या बंधनाला देखील अर्थ आहे। नुसताच हातवारे करून काही उपयोग होणार नाही, व्हायब्रेशन्स जाणवल्या पाहिजेत। स्वतःलाही बंधन आणि दुसऱ्यालाही बंधन देता आलं पाहिजे आपल्याला, ही पण स्थिती आहे। त्यानंतर आपले दोन्ही हात श्री मातांच्याकडे करायचे, लक्ष दोन्ही हातांच्या बोटांच्या वरती बघायचंय श्री माताईन। श्री मातांच्या डोळ्यामध्ये आपण बघायचंय आणि लक्ष दोन्ही हातांच्या बोटांच्या वरती। अगदी वात्सल्यपूर्ण नजरेनं बघायचं, भक्तीपूर्ण भक्तीत उतरायचंय आपण, थोडक्यात भक्ती रसामध्ये, की श्री माताजी आपल्याकडून ध्यान करून घेत आहेत, आपल्याला अमृत देत आहेत, ते अमृत आपण शोषून घ्यायचंय दोन्ही हाताच्या बोटातून। आपण श्री माताजींच्या बरोबर बोलतोय, त्यांची प्रार्थना करतोय, ज्या काय आपल्या समस्या आहेत त्या आपण श्रीमातांच्या चरणाशी ठेवतोय, जे काय आपल्या हृदयामध्ये आपण साठवलेलं आहे ते सगळं त्यांना समर्पित करायचंय आपल्याला। सगळं हृदय आपलं मोकळं करायचं, हे हृदय श्रीमाताने देऊन टाकायचं, चरणावरती ठेवायचं त्यांच्या। हे शरीर पण त्यांचंच आहे, हे मन बुद्धी अहंकार सारं काही त्यांच्या चरणाशी ठेवून टाकायचं, पूर्ण समर्पण म्हणतात त्याला। काया वाचा मना शरणागती, काही आपलं नाहीच आहे इथे, आपण सगळं सोडून देतो, त्यागमय। कारण जिथं आपलं काहीच नाही तिथं आपण कशाला अटॅचमेंट, डिटॅच व्हायचंय पूर्णपणे, सगळं सोडून द्यायचं, क्षणामध्ये सगळं सुटलं पाहिजे। फक्त मी आत्मा आहे एवढं शिल्लक ठेवायचं, हे चैतन्य म्हणजे मी आहे, जे श्री माताजी आपल्याला चैतन्य देत आहेत ते म्हणजे मी आहे, ते तत्व म्हणजे मी आहे, तोच आत्मा आहे। हे चैतन्य जे श्री माताजी आपल्याला देत आहेत तो आत्मा, त्याचा तो गुण आहे, हे अमृत आहे की जे श्री माताई आपल्याला पाजवत आहेत, आणि ते अमृत आपण शिस्ती शिस्तीत आतमध्ये खेचून घ्यायचं आहे। हळूहळू आपले डोळे बंद करायचे आणि लक्ष हाताच्या बोटांच्या वरती ठेवायचं, परम चैतन्यावरती, व्हायब्रेशन्स वरती, त्याच्याशी एकरूप व्हायचं आहे। आता त्या शक्तीशी जोडलं गेलं पाहिजे आपण, कायम शक्तीशी एकरूप झालं पाहिजे, म्हणजे आपण निशक्त होत नाही, कधी सशक्त होतो केवळ श्रीमातांच्यामुळे। म्हणून कायम त्या शक्तीशी जोडलं गेलेलं असायला पाहिजे। मी नाहीच काय करत, तू ही करणारा परमात्मा आहे, श्रीमाताजी आहे, त्या सर्व करून घेतील, ही भावना आपल्यामध्ये कायम जागृत पाहिजे। आणि आपण जर कायम त्या शक्तीशी जोडलो गेलो तर सर्व करणारा करता करविता तोच होतो, मी काही करत नाही, मग आपल्यामध्ये अहंकार प्रति अहंकार राहतच नाही। ते तत्व जागृत झाल्यामुळं आपण पूर्णपणे त्या शक्तीशी जोडलो जातो आणि ती शक्तीच आपल्यातून कार्य करून घेते। म्हणून आपण जोडलं जायचं आहे, श्री मातांशी जोडलं जायचं आहे चैतन्यातून।
व्हायब्रेशन्स। आता आपला उजवा हात हृदयावरती ठेवायचा आहे। इथं म्हणूया, श्री माताजी, आपल्या परम कृपेत मी शुद्ध आत्मा आहे, पवित्र आत्मा आहे, निर्मळ आत्मा आहे। कारण हे शरीर म्हणजे मी नाही आहे, कारण ते नष्ट होणार आहे। हा अहंकार मी नाही आहे, प्रति अहंकार देखील नाही, मन देखील नाही आहे, बुद्धी देखील नाही। या सर्व गोष्टी ज्या आम्ही बघतोय डोळ्यांनी, त्या सगळ्या नष्ट होणाऱ्या आहेत। आणि नष्ट न होणारी अजरामर अशी गोष्ट आहे, ती म्हणजे आत्मा। आणि तोच मी आहे, तो मी आहे, आत्मा मी आहे। आणि ते पण श्रीमातांच्या कृपेमुळं आपल्याला समजते की मी आत्मा आहे। आपण हे शरीर आहे असं समजतो, माझं शरीर, माझा डोळा, माझे नाक, मग मी कुठं आहे? मी आत्मा आहे, असा याचा अर्थ आहे। आत्मा क्षेत्रज्ञ आहे, तो फक्त साक्षी भावना पाहत असतो, कंट्रोल करत असतो। ते शिवतत्व, ते आत्मतत्व म्हणजे मी आहे। शिवोहम शिवोहम, तो मी आहे, तो शिव मी आहे, असा याचा अर्थ आहे। श्री माताजी, आपल्या परम कृपेत मी शुद्ध आत्मा आहे, पवित्र आत्मा आहे, निर्मळ आत्मा आहे। त्यानंतर आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या डोक्याच्या टाळूवर दाबून धरायचा, मान थोडी खाली झुकवायची, हात दाबून शिस्तीत फिरवायचा आहे। आता ज्या ठिकाणी आपण हात फिरवतोय त्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करायचं। इथं म्हणूया, श्री माताजी, आपण साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी आहात, अगदी भक्तीनं म्हणायचं, आत्मविश्वासपूर्वक म्हणायचं। आपल्यामध्ये आत्मविश्वास पाहिजे की श्री माताजी सहस्त्रार स्वामिनी आहेत। उगच म्हणायचं म्हणून म्हणायचं नाही, भक्तीनं म्हटलं पाहिजे, भक्ती पाहिजे। आणि जोपर्यंत भक्ती जागृत होत नाही तोपर्यंत देवी काय प्रसन्न होत नाही आपल्याला। म्हणून भक्ती गम्या देवीचं नाव आहे। नवरात्रामध्ये 9 दिवस आपण देवीची उपासना करतो, देवीची भक्ती करतो। भक्ती महत्वाची आहे, भक्तीनं शक्ती प्राप्त होते, म्हणून भक्तीला फार महत्व आहे। या भक्ती रसामध्ये आपण डुंबून गेलं पाहिजे, बुडून गेलं पाहिजे। तोपर्यंत देवी देखील बघणार देखील नाही आपल्याकडे, कारण आपण आवाहन करायचं आहे, मुलाने आवाहन करायचं आहे देवीला। देवी देवीच्या जागी आहे, परंतु जोपर्यंत आपण हाक मारत नाही तोपर्यंत ती बघत नाही। हाक मारली पाहिजे भक्तीनं, साद घातली पाहिजे, हे महत्वाचं आहे। ती शक्ती आहे, ती शक्ती चलायमान केली पाहिजे ना। श्री गणेश आहेत सगळीकडे, आहेत चैतन्य सगळीकडे आहे, परंतु चलायमान करता आलं पाहिजे त्याला। ते कसं करणार, हेच तर महत्वाचं आहे त्याच्यामध्ये। हे श्री माताजी म्हणत आहेत की तुम्हाला ती शक्ती जागृत करता आली पाहिजे, त्यातलं गणेश तत्व जागृत झालं पाहिजे, देवी जागृत झाली पाहिजे, तिची प्रतिष्ठापना झाली पाहिजे, हे महत्वाचं आहे। आणि ते भक्तीनं होतं। जोपर्यंत भक्ती आपल्यामध्ये जागृत होत नाही तोपर्यंत कुठलंही कार्य आपलं घटित होत नाही। काही करूया आपण, सहयोग जरी केला तरी भक्ती नसेल सार व्यर्थ आहे। भक्ती पाहिजे। आता तोच हात किंचित वरती उचलायचा आहे, 7-8 इंच वर, वर खाली मागे पुढे गोल फिरवून बघायचं आहे। आपल्या टाळूतून आपल्याला चैतन्य जाणवते का बघायचं, कारण देवी चैतन्याच्या स्वरूपात येते, व्हायब्रेशन्स, परम चैतन्य, आदिशक्तीचं वार आहे। हात खाली घेऊया, बघूया आता आपली कुंडलिनी सहस्त्रारचं भेदन करून वर आली का बघायची। सहज मध्ये अगदी प्रसन्न चित्तानं देवी वरती आली पाहिजे। जर खरोखर फोर्सनी कुंडलिनी वर आली तर खरोखर देवी आपल्यावरती प्रसन्न आहे असं म्हणायला काय हरकत नाही। देवीला कसं प्रसन्न करायचं हे आपल्याला चांगलं माहीत पाहिजे, कारण आपण सर्व देवी भक्त आहोत, श्री मातांचे भक्त आहोत। तर आपल्या आईला आपण कायम प्रसन्न ठेवलं पाहिजे। आणि देवी कशी प्रसन्न होते
हे श्री माताईने आपल्याला सांगितलेलं आहे त्याप्रमाणेच आपलं आचरण असायला पाहिजे. कलेक्टिव्हिटी त्याला म्हणतो. कलेक्टिव्हिटी श्री माताईने खूप आवडते. वैयक्तिक महत्वाचं नाही आहे, कलेक्टिव्ह कलेक्टिव्ह कॉन्शियसनेस असणं आवश्यक आहे प्रत्येक साधकाला. म्हणून आपण ध्यान करायचं ते इतर साधकांच्यासाठी, आपण स्वच्छ राहायचं आहे ते इतर साधकांच्यासाठी. आपण स्वच्छ झालो की दुसरे साधक देखील स्वच्छ होतात. ही खरी कलेक्टिव्हिटी. दुसऱ्या साधकाला बरं वाटावं म्हणून आपण सहयोग करायचा. असं ज्यावेळी होईल त्यावेळेला खरोखर माताजी प्रसन्न होतील. एकमेकांच्यासाठी आपण कार्य करतो, एकमेकांची चक्र साफ करतो, एकमेकाला आपण सस्त्रारमध्ये स्थापित करायचा प्रयत्न करतो. हे श्री माताईने खूप आवडतं. ही खरी कलेक्टिव्हिटी. नाहीतर भरपूर साधक येऊन बसलेले आहेत पण कुणाचा पायपोस कुणाच्याच पायात नाही आहे, तर ही कलेक्टिव्हिटी नाही आहे. शरीराने एकत्र येऊन काही उपयोग नाही आहे. आपण आत्म्यानं एक झालो पाहिजे, आत्म्यानं जोडलो पाहिजे, चैतन्यानं जोडलो पाहिजे. ही फार महत्वाचं आहे सहयोगामध्ये. आपण जगाच्या पाठीवर कुठेही असा परंतु परम चैतन्याद्वारे ते जोडलं गेलो पाहिजे. आपण अशी कलेक्टिव्हिटी, तिथं काय घडलं चैतन्य जाणवलं इकडं आपल्याला कळलं पाहिजे. व्हायब्रेशन्स ही जाणीव झाली पाहिजे. ही कॉन्शियसनेस आपल्याला कळलं पाहिजे की त्या साधकाला काहीतरी चक्रात त्रास, लगेच इथं बंधन घालून ते ठीक करता आलं पाहिजे. ही आपल्यामध्ये जागृती पाहिजे. अशा प्रकारची जागृती असणं अत्यंत आवश्यक आहे आपल्यामध्ये. हे कलेक्टिव्हिटीमध्येच होऊ शकतं. त्यामध्ये किती गोडवा आहे, किती प्रेम आहे आणि किती त्यामध्ये ताकद आहे हे जर आपल्याला समजलं तर ही खरी कलेक्टिव्हिटी आहे आपली. नाहीतर अशी कलेक्टिव्ह कलेक्टिव्ह आपण भरपूर साधक आले पाहिजेत म्हणतो ही केलं, तसं नाही आहे ते. तर त्यामध्ये त्या कलेक्टिव्हिटीत जीव असला पाहिजे. आपण कार्य करतो श्री मातांच्यासाठी, आईचं नाव झालं पाहिजे. आपलं नाव नको आहे व्हायला, आपण मोठं व्हायचं नाही आहे. आमच्या नावाचा देखील कुठे उल्लेख नको. श्री मातांचं नाव झालं पाहिजे, सहजयोगाचं नाव झालं पाहिजे, त्याचा झेंडा आपण लावायचा आहे. हे आपण पक्क लक्षात ठेवायचं सर्व साधकांनी. आणि आपण जे कार्य करतो ते कलेक्टिव्हिटीतून करायचं. कलेक्टिव्हिटी दिसून येऊ दे, वैयक्तिक नको आहे आपल्याला. काय कुणी काय केलं तर कलेक्टिव्हली सर्व आमच्या लीडर श्री माताजी आहेत. आम्ही कोण लीडर नाही आहे, कोणीच नाही आहे. आम्ही स्वतःला कोण लीडर समजून घ्यायचं कारण नाही. अशी भावना ज्यावेळेला जागृत होईल त्यावेळेला देवी प्रसन्न होते आपल्यावरती आणि मग चैतन्याचा वर्षाव करते ती आपल्यावरती आणि मग खरा आनंद आपल्याला मिळतो. सहजयोगाचा अर्क हाच आहे की कलेक्टिव्हिटीचा अर्थ हाच आहे की आपण त्या देवीला सतत प्रसन्न ठेवलं पाहिजे. आपण इतर साधकांना प्रसन्न ठेवा, देवी प्रसन्न होते. हे महत्वाचं आहे. आपलं लक्ष पूर्णपणे शस्त्रार्च्या वरती ठेवूया. आपली कुंडली शस्त्रार्चं भेदन करून वरती आणूया. शस्त्रार्च्या वरती जाणीव घ्यायचे. लक्ष शस्त्रार्च्या वरती ठेवून दीर्घ स्वरामध्ये आपण ओम असं म्हणायचं आहे. दीर्घ स्वरामध्ये लक्ष शस्त्रार्पासून वरतीपर्यंत आकाश तत्वापर्यंत जायचं आहे. ओम म्हणत जायचं आहे म्हणजे कुंडलिनीला रेज करायचं, वरती उचलायचे आपल्याला. खेचर म्हणतो त्याला, खेचलं पाहिजे वरच्या बाजूला. पण ते ओम म्हणत खेचायचं आहे. ओम आपल्या जाणीवेमध्ये वाढ झालेली आपल्याला दिसून येईल ओम म्हटल्यानंतर. तसंच खालून वर आणखी एकदा जायचं आहे आपल्याला. लक्ष वरून खालून वर आकाश तत्वापर्यंत जायचंय. ओम म्हणत जायचंय. ओम म महेश मकार म्हणतो त्याला. आकार उकार मकार म महेश सोडता. म म्हटल्याबरोबर लक्ष शस्त्रार्च्या वरती जाऊन त्या सदाशिवांच्या चरणाशी स्थित झालं पाहिजे. म्हणून ओम म्हणतोय आपण.
ब्रह्मा विष्णु महेश महासरस्वती महाकाली आणि महालक्ष्मी या त्यांच्या शक्ती आहेत. आणि ओंकारामध्ये सर्व आहे आणि ओम म्हणजे श्री गणेश पण आहेत महागणेश पण आहेत ते. म्हणजे ओमचा अर्थ फार मोठा आहे, गंभीर गहन अर्थ आहे असा तो. त्याचं गांभीर्य आपल्यामध्ये पाहिजे, नुसतं म्हणायचं म्हणून म्हणायचं नाही. त्यामध्ये एवढ्या देवता येतात, मग का चैतन्य वाहू नये आपल्यातून? ती शक्ती जर जागृत झाली तर चैतन्याचा स्रोत असा व्हायला पाहिजे. खालून वरती लक्ष आहे आपलं, शस्त्रार्च्या वर जायचं आहे. वरती 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 जायचंय, स्थिर व्हायचंय आकाश तत्वात, विलीन व्हायचं थोडक्यात म्हणा विलीन, देहातीत गुणातीत धर्मातीत आणि कालातीत. ज्यावेळेला आपण पार सजुगी होतो, शस्त्रार्च्या वर जातो, या सर्वाच्या पलीकडे जातो आपण, देहाच्या पलीकडे जातो, सर्व धर्माच्या पलीकडे जातो आणि काळाच्याही पलीकडे जातो आपण. आणि सर्व गुण जे आहेत त्रिगुण, त्या त्रिगुणाच्याही पलीकडे जातो, कारण आत्मा बनतो आपण, हे आपण लक्षात घ्यायचं. आणि हे कायम आपण 24 तास शस्त्रार्च्या वर राहायचा प्रयत्न करायचा आहे प्रत्येकाने, प्रत्येक साधकाने. इथून पुढे आपण कायम शस्त्रार्च्या वरती राहायचं आहे. त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची हयगय करायची नाही, शस्त्रार्च्या वर राहायचा प्रयत्न करायचा. जरी एखादं चक्र पकडलं तरी आपण ते स्वच्छ करून शस्त्रार्च्या वरती राहायचं आहे. आणि जेवढा आपण शस्त्रार्च्या वरती राहू तेवढा आपल्याला फायदा आणि इतर साधकांना देखील फायदा होणार आहे. आपण सर्वांनी त्या दृष्टीने प्रयत्न करायचे. प्रत्येकाला हाताच्या बोटावरती चैतन्य समजलं पाहिजे. आता आपण डोळस भक्ती केली पाहिजे, हे शस्त्रार्च्या वरचं नॉलेज. डोळस भक्ती पाहिजे, चैतन्याची भाषा. सहजयोगाला इतर कुठल्याही भाषा नाही आला तरी चालतील, परंतु चैतन्याची भाषा आलीच पाहिजे तर ते साधक सहयोगी, नाहीतर आपण सहयोगी म्हणून घेण्यास ही पात्र नाही. आपल्याला ही भाषा समजली पाहिजे, तसा प्रयत्न केला पाहिजे. नवरात्रीचा आपण उत्सव करतो, देवीचा उत्सव करतो, तर देवीची भाषा समजत नाही आपल्याला, तर कशासाठी उत्सव साजरा करायचा आहे? आपण काही न केलेलं बरं. त्या दृष्टीने आपण प्रयत्न केला पाहिजे की ही भाषा देवीची समजावी. साक्षात आदिशक्ती या पृथ्वीवरती येऊन आपल्याला ही भाषा शिकवली, पण आपण अजूनही बोबडे बोल बोलतो, तर त्याचा काय उपयोग आहे आपल्याला? काय फायदा नुसता श्रीमातांची भक्ती करून आणि हे करून? त्यांनी ज्या शक्त्या दिल्या त्या शक्त्या धारण करता आल्या पाहिजेत आपल्याला. आणि ही शक्ती जर धारण करू शकलो नाही तर आपण सहयोगी नव्हे, सहयोगी म्हणून घेण्यास पात्र नाही आहे आपण. हे शिकलं पाहिजे सर्व साधकांनी, हाताच्या बोटावरती त्यांना समजलंच पाहिजे. त्यांनी देखील ध्यान घ्यायला सुरुवात केलीच पाहिजे प्रत्येकाने, प्रयत्न करायचा. करणाऱ्या श्रीमाताजी आहेत, कर्त्या करवित्या श्रीमाताजीच आहेत, लीडर श्रीमाताजीच आहेत. आणि आपण सर्वांनी त्या दृष्टीने प्रयत्न करायचाच आहे, हे आपण पक्कं लक्ष ठेवायचं. आपलं गणेश तत्व आपण कायम भक्कम ठेवायचं, म्हणजे सर्व गोष्टी आपोआप घडून येतात. गणेश तत्वाला फार महत्व आहे सहयोगामध्ये आणि ते कायम जागृत पाहिजे. अशी पण स्थिती प्राप्त केली पाहिजे. लक्ष पूर्णपणे आता शस्त्रार्च्या वरती ठेवून 1-10 मिनिटं आपण ध्यानाच्या अवस्थेत जायचं आहे. शस्त्रार्च्या वरती बच्चा जो है इसमें अभी बहुत बच्चापन नहीं रहा. जो बच्चा होगा वो तुमको चाहिए, वो 3-4 लाख कोई खेल खेल रहा है छोड़ के भाग जाएगा दूसरा. उसको किसी के प्रति ये नहीं लगता है जिससे हमें चिपकना चाहिए या कुछ रहना चाहिए. वो जो भोलापन है, उस भोलापन में
जो एक चीज की न्यूनत्व है जो आप पे पूरी हो गई है कि उनको कोई ज्ञान नहीं, बगैर ज्ञान के बोलापन, लेकिन आपने ज्ञान को पाया है और उसका सरताज आपका बोलापन। इतने बड़े ज्ञान को प्राप्त करके भी कर हमसे उस चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती, उस गणेश की श्रद्धा और उसकी समर्पण शक्ति को हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो बाकी सब कला तो व्यर्थ ही है एक तरह से। मेरे ख्याल से बिल्कुल ये कुछ मशीन की बात है, माय मंत्र कह डाले गणेश के फिर ये क्या। मैं तो सोचती हूँ कि हर एक पूजा में इतने बार हम गणेश को पूजते हैं और कहते हैं ठीक है उनका मंत्र जरूर कहा करिए, लेकिन मेरे ख्याल से गौरी की पूजा नहीं ठीक रहे। वो चालना देती, वो कुंडलिनी है, वो आपको उठाती है। गणेश को आप साकार ही में देख सकते हैं, अभी निराकार में देख नहीं पाते हैं क्योंकि अभी तक आपने गौरी का संचालन नहीं किया और गौरी का आसरा नहीं लिया, आप सिर्फ गणेश को देखना चाहते हैं। आज गौरी का एक दिन है, ऐसा कुछ इत्तेफाक है कि सहयोग में हमेशा सहूलियत से पूजा होती है, ये नहीं मुहूर्त पे नहीं कुछ भी हो, सहूलियत होनी चाहिए। अभी संडे का रोज होना चाहिए, नहीं तो सबको ये नहीं, और संडे के रोज में भी वो टाइम होना चाहिए जब सिनेमा नहीं। मैंने आज तक कोई संडे को सिनेमा ही नहीं देखा, समझ भी नहीं आता कि मुझे उसमें सिनेमा होता है कि नहीं होता, पर संडे को सिनेमा होता है, इसलिए पूजा सवेरे ही रखना अच्छा। माँ जल्दी आप खत्म करना क्योंकि उधर सिनेमा का टाइम हो जाता है। ये अगर हमारी स्थिति है तो क्या फायदा है गणेश जी की पूजा करने का। अगर हमारा चित्त ऐसी ही चीजों में उलझा हुआ है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि इसका कोई इलाज हम नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज। सो चित्त को जो है हर समय आपको देखते रहना चाहिए कि इसमें कौन से विचार खड़े हो रहे हैं। ईश्वर नामदेव ने कहा हुआ है कि जैसे एक छोटा बच्चा हाथ में पतंग की डोरी लिए हुए सबसे बात कर रहा है, खेल रहा है और हंस रहा है, मजाक कर रहा है, लेकिन उसका चित्त पूरा उस पतंग की ओर है, उसी प्रकार एक योगी जन को अपना चित्त पूरा उस पतंग पे रखना चाहिए अपनी आत्मा से, नहीं तो ये सारी शक्तियां जो दी भी है उनकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती, उसका कोई प्रादुर्भाव हो नहीं सकता, कोई स्फोट नहीं हो सकता। लोग बहुत से पूछते हैं कि माँ क्यों ऐसा होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई सी भी स्पुटनिक जैसी चीजें जो कि आकाश में और अंतराल में जो फेंकी जाती है, उसका तरीका यही है कि जब एक के अंदर एक बिठाए जाते हैं और जब एक पहला एक हद तक पहुंचता है तो उसमें एकदम स्फोट होकर दूसरे को ढकेल देता है, फिर दूसरा वाला फिर स्फोट होता है उससे दूसरा ढकेला जाता है, इससे एक्सेलरेट होती है उसकी शक्तियां, माने उसमें एकदम बढ़ावा आ जाता है। ऐसा ही स्फोट हमारे अंदर क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी भी हम 10 पैसे में खरीदे जाने वाले गणपति जैसे ही हैं। इस वजह से अगर असली गणपति हो उसका स्फोट होना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि एक एक आदमी क्या कमाल का है, वैसा नहीं होता है। हम अपने ही चीजों में उलझे रहते हैं, अपनी बातों में, अपने ही बारे में सोचते हैं और हर समय सोचते हैं कि इसमें हमारा क्या लाभ है सहयोग में आने से। असल में पूरा ही लाभ, पूरा ही लाभ, क्योंकि जिस वक्त आप अपने सिंहासन पर बैठ गए तो पूरा राज आपका ही है, लेकिन आप सिंहासन पर न बैठते हर दरवाजे जाके भीख मांगेंगे तो आप तो भिखारी ही है। आपको सिंहासन बसाने से फायदा क्या, और सिंहासन पर बैठ करके भी आप कहेंगे मेरी माता जी को आप थोड़ा रुपया पैसा दे दो, तो इस चीज का क्या अर्थ करता है। गणेश की शक्ति अगर अपने अंदर जागृत करनी है तो सबसे प्रथम जानना चाहिए कि हमें निराकार की ओर चित्र देना चाहिए, चैतन्य की ओर देना चाहिए, और चैतन्य जो हमारे अंदर से बह रहा है उसको देखना चाहिए। जिनका चैतन्य दूषित है वो यही कहेगा मुझे भूत लग गया, क्यों लगा, गणेश को कभी भूत नहीं लग सकता, तुमको तो अपने शरीर में मैंने स्थान दे दिया, ऐसा तो कुछ नहीं किया होगा,
और बड़ा तकलीफें उठाती हूँ आपकी सफाई के लिए, लेकिन आप लोग अपनी सफाई क्यों नहीं कर सकते? और आके लोग कहेंगे माँ मेरा आज्ञा पकड़ गया, मुझे अहंकार हो गया, क्यों हुआ? दुख करने वाला परमात्मा है, फिर आपको अहंकार क्यों? उसकी वजह यह है कि अपने दोषों को हम नहीं देखते, दूसरों में टाल देते हैं और कह देते हैं कि ये तुम्हारा काम और ये तुम्हारी वजह से, उसके उल्टे श्री गणेश। उनको पता पर चल जाए और मेरी घर नजर उन पे नहीं हो तो सबको ठिकाने लगा दे। मैं आपसे बता दू इतने वो माहिर है, होशियार है, सतर्क है, दक्ष है, वो जानते हैं कहाँ पर कौन बैठा है कैसे। मुझे भी सब मालूम है, ये नहीं कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सुरक्षित रखना चाहती हूँ आपको, लेकिन वो नहीं। वो कहते हैं ऐसे बेकार लोगों को क्यों माँ के पीछे लगाना, वो तो ऐसे ठिकाना कर दे। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ नहीं आता अब भी, कि ये सब होने के बाद आपकी वाणी शुद्ध नहीं। वाणी में बहुत से लोग गालियां देते हैं अभी भी सहयोग में, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जोर से बोलते हैं, उसमें प्रेम माधुर्य कुछ है ही नहीं। इसका मतलब आपकी वाणी भी शुद्ध नहीं। और ऊपर से दाम्भिकता, इसे कहना चाहिए कि ढोंग करना, ऐसा दिखाना कि हम बड़े मुस्कुरा रहे हैं, हम बड़े हंस रहे हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं, और अंदर से तो मैं देख रही हूँ हृदय ही स्वच्छ नहीं। वो जो असली आनंद का गांधीर्य है उसकी चमक ही और होती है, और हमसे तो छिप नहीं सकती हूँ। आप कुछ भी पोत के आइए, आप पहचान जाएंगे आप कितने गहरे पानी में। लेकिन वो किस लिए, हम भी आपको क्यों परखते हैं, किस वजह से परखते हैं, इतनी मेहनत क्यों करते हैं? वजह ये चाहते हैं कि आप लोग सब चमक जाएं। लेकिन जब तक आपके मन में अपना हित ना आए, जब तक आप अपने अंतिम लक्ष्य को पूर्ति की तरफ ध्यान न दे और फालतू चीजों में उलझे रहेंगे और उसी से मुझे तंग करते रहेंगे। मुझसे लोग आर्गू करते हैं, माँ हम आपकी इतनी पूजा करते हैं तो भी ऐसे कैसे हो, तो आपके अंदर कोई दोष नहीं, आप संपूर्ण है। ये तुम कहिए कि आप लोग पारे गए। इस तरह की जब हम बातें सोचते हैं तब हमारा चित्त उठते जाता है ऊपर की ओर, और चैतन्य की ओर हमारे हाथ फैलाए हुए, स्वगत चैतन्य हमारे अंदर बहना शुरू हो जाता है, और इतना खुश होता है वो कि चलो मेरा स्थान यहाँ मिल गया। जैसे कोई बाढ़ आ जाए इस तरह से पूरा शरीर आलोकित हो जाता है। एक दो आदमियों को आलोकित करना तो बहुत आसान चीज है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि सामूहिकता से हम लोग इस तरह से बने, क्योंकि आज उसकी जरूरत है। नहीं तो सोचे कि ये समाज कहाँ जा रहा है, एक से चोर चक के बैठे हुए हैं, सारी दुनिया भर की परेशानियां लोगों को लगी हुई है, और इसके अलावा इतनी अनैतिकता, माने घोर घोर कलयुग है। आप अपने बच्चों को इसी में क्या चाहते हैं कि सब कर दें, या आप चाहते हैं कि कोई विशेष महान कार्य के लिए आप इस संसार में आए हैं और उस कार्य को आप करें? हो गया, आपको पैसों का प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया, नौकरी का प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया, और उस प्रॉब्लम से सॉल्व हो गया, आगे क्या? अभी लालच खत्म ही नहीं हो रही, और उसके लिए भी मुझे परेशान करना हर समय बिल्कुल उचित है। सिर्फ मुझसे प्रश्न सहयोग पे ही करने चाहिए, और कोई सा भी दूसरा प्रश्न करना गलत है, और वो भी प्रश्न बेकार में जानने के लिए बहुत सारी बातें करने की जरूरत नहीं, शांति में ही पूछने से अपने आप आप चुप करा जाए। नहीं तो हर बार आपको मेरा लाउड स्पीकर लगाना पड़ेगा कि माँ ने इसमें क्या कहा, तो और आपने क्या फर्क है। एक साहब मेरे पास आए, कहने मुझे भगवान बोलते हैं, मैंने कहा कैसे, कहने बस मैं गीता है इसे खोल लेता हूँ, जो पेज खुल जाता है उसमें जो लिखा है उसी से मैं समझ जाता हूँ भगवान ने। मैं कहा वाह भाई वाह, वही हाल मेरा दिखता है, पेज खोदो माने क्या कहा ऐसा कहा। अब ये आपके अंदर सृजन शक्ति स्वयं है, आपके अंदर विचार शक्ति स्वयं है, आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आप दुनिया को चमका सकते, तब आप क्यों बार बार ये चाहते हैं कि माँ ही इस बात पर बताए? आप स्वयं इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैंने देखा उतर देने के लिए सिर्फ एक मैं ही हूँ, मेरे सामने तो सब प्रॉब्लम्स ही लोग लेके आते हैं, उसमें ऐसा प्रॉब्लम है, उसमें ऐसा प्रॉब्लम है,
लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता कि नहीं उसका सलूशन है माँ, आप चिंता न करें हम कर दिखाए, ऐसे भी तो कोई चाहिए, ये हम कर दिखाए, ये कोई मुश्किल काम। हर आदमी को जाना चाहिए कि जो भी चीज जिसे आज हम कह रहे हैं भौतिकता साकार या कोई भी चीज कह रहे हैं, उसमें सिर्फ शक्ति का संचार होते ही वो चीज कुछ और ही हो जाती है। जैसे ये चीज बेकार है, इसमें जैसे शक्ति का संचार हो गया, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, इसी प्रकार कोई सी भी चीज जिसे हम कहते हैं कि जो व्यर्थ है, उसमें शक्ति का संचार होते ही वो कमाल हो जाती है। आपको अपने बच्चों से प्यार, अच्छा उनमें शक्ति का संचार करो, वो बच्चे कमाल के हो जाएंगे, हो ही जाएंगे। अगर आपको अपने घर से प्यार है, चलो उसमें शक्ति का संचार करो, मंदिर हो जाएगा। आपकी बुद्धि में अगर कोई दोष है या आपको हर समय सवाल बहुत आप दिमाग में लाते हैं, अपने उसमें शक्ति का संचार करो, सब चीज का उत्तर आपके सामने आ जाएगा। आपको मुझसे पूछने की जरूरत क्या? सबसे तो बड़ा ज्ञानेश्वर जी को जब उनकी किताबें पढ़े तो आश्चर्य लगता है, कभी उन्होंने मुझे साकार स्वरूप देखा नहीं, लेकिन उन्होंने उस शक्ति को बल दिया जो उन्हें दी थी, और उस शक्ति के स्वरूप उन्होंने क्या कैसे कहा चीजें रखी। अगर आप अभी भी इसी साकार स्वरूप से ही संतुष्ट है, आगे नहीं बढ़ सकते, आपको निराकार में हमें प्राप्त करना होगा, जिससे कि आपके अंदर की सृजन शक्तियां बढ़े। इसी को हम मानते हैं कि जो श्री गणेश को लोग कहते हैं कि हमारे महागुरु, उसकी वजह यही है कि उनकी शक्ति के संचार से हम स्वयं ही गुरु हो जाते हैं। हम कितने बार कहते हैं हम स्वयं के ही गुरु, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं मुझे नहीं दिखाते जो अपने टांगों पर खड़े हुए कह सकते हैं कि हाँ माँ ये चीज है, इसका हमारे पास उत्तर है, हमें तो इसका उत्तर मान। और जब वो देने लग जाते उत्तर, तो ऐसे उत्तर होते हैं कि सभी दुनिया में उत्तर हो जाए उत्तर, क्योंकि जो उत्तर देते हैं उतने अहंकार बढ़े, इतने बेवकूफी के और इतने निम्न स्तर के होते हैं कि समझ में नहीं आता कि सहयोगी है कि कहाँ जाते हैं। अश्रद्धा वालों को नुकसान होता है, ये बात है, नुकसान भी होता है और उनको सीखना पड़ता है, उनको बहुत से लेसन लेने पड़ते हैं, समझ लीजिए। लेकिन वो भी होने के बाद, वो सब होने के बाद भी आपका जिंदगी भर स्कूलों में ही पढ़ते रहे तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी? हर ईयर आप अगर फेल होते रहे तो आपको नौकरी मिल ही नहीं सकती, परमात्मा आपको जो अपना नौकर बनाएगा, क्योंकि आप कहते हैं प्रभु तुम मुझे अपना माध्यम बना लो। भाई वो भी तो सोचते हैं कि माध्यम किसे बना जाए, ऐसे डिफेक्टिव लोगों को क्या जरूरत है माध्यम बना करके, हर बार आफत हो, उनकी गाड़ी नहीं चल सकती। हम उनके माध्यम बनने के लिए हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं, हमारे अंदर जागृति है, हम उसके बारे में जितना जानते हैं कोई भी नहीं जानता था, सहस्त्रार के बारे में किसी ने लिखा तक नहीं, वो तक हम जानते हैं, सारी चीज आज हमारे सामने पुस्तक के जैसे खुली हुई है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि पुस्तक को पढ़ने से हो जाएगा, या मंत्र के कहने ही से आप शक्तिशाली नहीं हो सकते। मंत्र का जो स्थायी भाव पवित्रता है और उसकी फेर जिसे कहते हैं कि कहां नजर है, जब तक दोनों चीज में सामंजस्य नहीं आ जाए, जैसे कि हाथ में पतंग हो और उड़ान उसके ऊपर हो, इसी प्रकार जब तक आपके जीवन में ना हो कि हमारी उड़ान कहां। बहुत से लोग ये देखते हैं माँ हमें गॉड रियलाइजेशन कब हुआ, इसका कोई मैं लिख के दे सकती हूँ गारंटी? और दूसरी मरतबा गए वहां किसी की बुराई करने लगे, सादा एक क्रोध जिस आदमी को कंट्रोल नहीं हो सकता वो क्या सहयोग करे। कृष्ण ने क्रोध को सबसे पहले करने किया, सबसे बुरा बताया, क्रोधा भी जाए क्रोध सबसे खराब चीज, सम्मोहन लाने वाली चीज। सो हमारे अंदर जो गणेश की शक्ति है उसे जागृत करने में सोचना चाहिए, हमें पवित्र और पवित्रता में उनका सौंदर्य स्वरूप जो भोला स्वरूप हो उसके ना, नहीं फिर वो कहेंगे ठीक है हम गणेश है, हम हाथ में परश लेके जिसको उसको मारते थे, वो शक्ति आपके पास नहीं, वो परश आपके हाथ में नहीं,
वो जिस दिन आपके हाथ में आएगी तो आपके हाथ में परस दिया जाएगा। अभी जिससे आप मार रहे हैं वो आप ही का भूत आपको मार रहा है। आप भूत हैं जो आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं। ये गणेश शक्ति नहीं सकती, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप किस पे चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भूत जिस आदमी का इस तरह से दिमाग खराब है उसे सहयोग में छोड़ के पागल खाने में चला जाना चाहिए, उसका स्थान यहाँ पर नहीं। जो आज का भाषण है उसमें धार है उसी परस की, समझ लीजिए। हमें तो अधिकार, आपको अधिकार नहीं कि आप इस परस को वहां दुनिया भर में घुमाते फिर। अपनी नाक काट लीजिएगा, अपने कान काट लीजिएगा, किसी को आप काट नहीं सकते। सहयोग में जो भी आदमी ऐसा होता है उस पर दुनिया थूकती है, हंसती है, मजाक करती है, पीछे उसकी निंदा करती है। और ऐसे लोग सहयोग से बहुत जल्दी घाट उतर जाते हैं। अपनी वाणी अत्यंत सुंदर स्वच्छ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, पर उसके पीछे में छल कपट नहीं होना चाहिए। जैसे बिजनेस वाले, भाई बहुत अच्छे, आप आइए, पान खाइए, फलाना खाइए और जेब खाली करके जाइए। बात हृदय से कहनी चाहिए, और जब हृदय से बात कही जाती है तो बड़ी गुणग्राही होती है, क्योंकि हृदय जो है यही सब चीज को समाता है, वही चीज हमेशा के लिए सनातन हो जाती है। बाकी चीजें ऊपरी ऊपरी बुद्धि की चीज ऊपरी ऊपरी रह जाती है, लेकिन जो चीज हृदय को छू जाती है, हृदय स्पर्शी है, वही चीज हृदय में बैठ जाती है। इस चीज की आप गांठ बांध के रखिए। श्री गणेश का स्थान है तो मूलाधार पे, पर जब वो अपने हृदय में आ जाता है तभी वो आत्मा स्वरूप होकर के चैतन्यमय होता है। आत्मा जो है वही श्री गणेश, और वही श्री गणेश जब हमारे हृदय से प्रकाश देता है वही वो फिर चैतन्य। जिसने श्री गणेश को अपने हृदय में बिठा दिया उसके लिए फिर कुछ कहने की जरूरत। उसको कहते हैं कि हर समय निरा आनंद में डूबा रहता है, उसे और चीजों की खबर ही नहीं होती, न परवाह रहती, और रिद्धि सिद्धि सब उसके पैर के पास। वो खुद जानता भी नहीं, सोचता भी नहीं, सारे काम अपने आप होते रहते। ये अनुभव सिद्ध है, ये मैं बात ऐसे वैसे नहीं कह रही हूँ, ये अनुभव सिद्ध है। आप लोग जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, वो आपके बारे में क्यों नहीं होना चाहिए। अभी तो हम ही आपके लिए रिद्धि सिद्धि बने, आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं। पर सबका समय होता है, आपको भी अपने मंजिल को छोड़ करके दूसरी ओर मुड़ना नहीं चाहिए। अपनी नजर उन्नत करके उस ओर जाना चाहिए जहाँ आपको जाना है और जिसे आपको प्राप्त करना है। ये ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं था, और जो हो रहा है उसको अगर आप बुझाएंगे तो इसमें दोष हमारा नहीं, और इसकी सजा हमें देने की जरूरत ही नहीं। श्री गणेश बैठे ही वहां परस लेकर, इसलिए अपनी और दृष्टि, अपने अंदर वो गांभीर्य, श्री गणेश की जो शक्ति उस गांभीर्य से, अपने अंदर वो आनंद का गांभीर्य, आनंद एक सागर जैसे गंभीर, जैसे ऐसे गंभीर आत्मा को देखते ही मनुष्य पुलकित हो जाए आनंद से, फिर तो आप ही के दर्शन से काम हो जाएगा, मेरी तकलीफें बहुत कम हो जाएगी, तो स्थिति आनी पड़ेगी। और आज यही एक निश्चय करके आप पूजा करें कि वही हम स्थिति लाने वाले हैं। और आज विशेषकर गौरी की पूजा, कुंडलिनी की पूजा, जो हमें शक्ति चालना देती है, जो गणेश को ही वो शक्ति देती है जिसके कारण वो चलायमान है, और अब निराकार स्थिति से साकार आकर के, और आप लोगों के साकार स्वरूप से ही वो आपको निराकार में उतार सकते, वही वो गौरी शक्ति। तो हम शक्ति के पुजारी हैं, और जो शक्तिशाली नहीं है निःशक्त है। जो अपनी शक्ति की पूजा नहीं करता, और जो अपने अंदर वो शक्ति को जगाता नहीं, और उसमें रममान नहीं होता, और उसका प्रकाश नहीं देता, उसके लिए अपने को सहयोगी कहना व्यर्थ। ऐसे तो बहुत से बंदर और गधे मिल सकते हैं जिनपे मैं लेबल लगा दूं सहयोगी सहयोगी, सहज गाढ़वी सहज फलाने, सो क्या वो हो जाएंगे?
ये लेवल लगाने की बात नहीं है, अंदर की बात है, अंतरतम की हृदय की बात है। इसको हृदय से प्राप्त करना चाहिए, हृदय में उतरना चाहिए। और जितनी भी समाज में, राजकारण में, बाह्य में बाहरी बातें हैं, उनको अपने अंदर नहीं घुसना रहना चाहिए, क्योंकि सब लोग ऐसा करते हैं, इसलिए हम भी ऐसा करते हैं। ये सहयोग है, इसमें आपकी अपना व्यक्तित्व है, ये नहीं कि अपनी इंडिविजुअलिटी है, व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनालिटी है, हम सहयोगी है। हम क्यों लोग दुनिया का चीज है, हम क्यों करें, हम इसे नहीं करने वाले। जब तक आप लोग इस हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, सहयोग यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं खड़े कर सकता, कोई दलदल शायद खड़ी हो जाए तो हो जाए। माँ के मनसूबे बहुत हैं और मेहनत भी बहुत की, हमने कुछ मेहनत में कमी नहीं की, लेकिन अब चाहते हैं कि आप लोग इधर ध्यान दें और अपने को समाधान में रखें। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मुंह पे मुस्कुराहट ला के हम बड़े समाधानी है, नहीं, समाधान को अंदर तौलें। क्या हम आते समाधानी है? आशा है आप लोग सब पूरी तरह से ध्यान करेंगे और ध्यान की ओर अपना पूरा सर्वस्व लगाए, तभी काम बनने वाला। और जब आपके अंदर खुद ये शक्ति आ जाएंगे, आप आश्चर्य करेंगे कि माँ अब तो सारे पहाड़ों से ऊंचे हो गए, सारे पेड़ों से भी ज्यादा हरित हो गए, इस पृथ्वी से भी हम विशाल हो गए। जैसे तुकाराम ने कहा था कि मैं तो दिखने में छोटा हूँ लेकिन आकाश कितना बड़ा हूँ। ये जब तक आपके अंदर नहीं होता तो फायदा क्या सहयोग में आने से। आज की बातों पे आप कृपया ध्यान दें और उधर चित्त करें और पूरे मन से आज यही पूजा करें श्री गणेश की, कि हम गौरी माँ के सहायक से उसकी शक्ति के साथ उस निराकार में जहाँ पूर्णतया आनंद में रहे और हमारे रोम रोम में वो शक्ति ऐसी बहे कि लोग दुनिया में जाने कि सहयोग ने क्या कमाला किया। अपने कमाल को पूरी तरह से हासिल कर लेना से एक्सलेंस कहते हैं, वो चीज आप में आनी चाहिए। सहयोग में हमें एक्सलेंस आया है या नहीं, ये खुद आप जज करना चाहिए आप। और हर एक आदमी कर सकता है, उसको पढ़ने लिखने की किसी चीज की, किताब की किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ शुद्ध इच्छा की जरूरत है जो हमें अपने अंदर रखना चाहिए। आशा है आज पूजा में आप लोग इसे प्राप्त करें, महान शक्ति के साथ ही आप आ जाएंगे, उसको छोड़े बगैर नहीं। छोटी छोटी बातें जो भी मन में उभरे कि मेरा ये ठीक हो जाना चाहिए, वो सब छोड़ छाड़ के आज उसी महाशक्ति को प्राप्त करें, सब अपने आप ही ठीक होने वाला। हळूहळू आपले डोळे उघडायचे, श्रीमातांच्याकडे बघायचं, स्थिती तशीच ठेवायची, आपलं लक्ष शस्त्रार्च्या वरतीच ठेवायचं, फक्त डोळे उघडून श्रीमातांना बघायचं आहे आणि दोन्ही हातांच्या बोटांच्या वरती। पण डोळे उघडून ठेवून देखील वरती राहू शकतो, चैतन्य घेऊ शकतो हाताच्या बोटातून, ही स्थिती प्राप्त करायची आपल्याला। श्रीमाताजी नमस्कार करूया, त्यांचे आभार मानूया। श्रीमाताजी आपल्या चरणाशी कोटी कोटी प्रणाम, कोटी कोटी। शिस्ती शिस्तीत बंधन घेऊया, हळू 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 बंधन घ्यायचं। आपल्या हातामध्ये चैतन्य आहे हे विसरायचं नाही, लक्ष चैतन्याकडे द्यायचं। हात जरी आपण वर नेत असलो तरी परम चैतन्याकडे लक्ष द्यायचं, त्याची गुंफण करत करत आपण वरती नेतोय आणि गाठ मारतोय चैतन्याची, इकडे लक्ष पाहिजे। आपलं लक्ष हाताकडे असल्यामुळं बंधनाचा उपयोग होत नाही, आपल्या चैतन्याकडे द्यायचं लक्ष।
कवच घेताना पण तसंच, डावीकडून डोक्यावरून उजवीकडे हात, परत उजवीकडून डोक्यावरून डावीकडे हात, लक्ष परम चैतन्याकडे, म्हणजे हातातून जे चैतन्य वाहते ते चैतन्य सोडत सोडत आपण कवच तयार करतो आपल्या बॉडीच्या भोवती, आणि त्या कवचाकडे लक्ष द्यायचं आहे आपल्याला. देवी कवच, हेच देवी कवच आहे. स्थित घ्यायचं ते, कारण लक्ष फार महत्वाचं आहे. चित्त उद्या दिवसभर आपण लक्ष शस्त्रार्थ वरतीच ठेवायचं, शक्यतो आपण खाली यायचा प्रयत्न करायचा नाही. शस्त्रार्थ वरती राहूनच आपली कर्तव्य कर्म करत राहायचे, तसा आपण प्रयत्नच करायचा आहे. जय श्री माताजी.